है कि भगवद गीता क्राइस्ट से 100 साल पहले लिखा गया। वह तो बोलते हैं कि भगवद गीता एक इनफैक्ट किसी ने कल्पना करके लिख दिया, उसको मिथोलॉजी है। गीता महाभारत का एक अंग है। महाभारत एक कहानी या फिर एक फैबल, एक मिथ नहीं है। सारे लोग भगवद गीता के बारे में पूछते हैं कि कब लिखा गया, कब बोला गया, तो लोग सर्च करते हैं गूगल पे, तो पता चलता है कि कहीं पे लिखा गया है कि भगवद गीता क्राइस्ट से 100 साल पहले लिखा गया, 1 BC में लिखा गया, तो 2 BC में लिखा गया। तो इस तरह का नोशन हर जगह फैला हुआ है। कई लोग तो बोलते हैं कि भगवद गीता एक इनफैक्ट किसी ने कल्पना करके लिख दिया, उसको मिथोलॉजी है। तो सही में अगर हम देखें तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस और जो भी वैदिक जो भी लिटरेचर्स हैं उसमें भी इसके बारे में वर्णन है, भगवद गीता के बारे में। तो भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। महाभारत एक कहानी या फिर एक फैबल, एक मिथ नहीं है, बल्कि एक हिस्ट्री है। दिस इज अ हिस्ट्री, एक इतिहास है। लेकिन जितने भी सारे मीडिया है, जो कि जैसे विकीपीडिया, विकी मीडिया, पता नहीं जो कुछ भी है, ये सब लोग एक तरह का बियास्ट वर्जन देते हैं, जिसमें वो सब कुछ उनका क्राइस्ट के इर्द गिर्द ही चलता है। ऐसा लगता है कि क्राइस्ट से ही हिस्ट्री चालू हुई है। तो या तो क्राइस्ट से 1-2 साल पहले या फिर 1-2 साल बाद, बस उससे आगे उनका दिमाग जाता ही नहीं है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये बोलती है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में एक ग्रीक सिक्का पाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का इनप्रिंट था, भगवान श्री कृष्ण का उसमें फोटो था, और वो कब का है, 1 BC का है। तो अगर सिक्का 1 BC का हो सकता है, सिक्का अगर 1 BC का है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का फोटो है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण उसी समय के होंगे या फिर उससे बाद के होंगे? ऑफकोर्स नहीं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फाइंडिंग्स, वैदिक फाइंडिंग्स महाभारत के बारे में हैं और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से मिले हैं, जो कि महाभारत की जो लड़ाई है उसको 3100 BC तक ले जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कब इस प्लैनेट को छोड़े थे उसके बारे में वर्णन है कि 3102 BC में भगवान श्री कृष्ण इस प्लैनेट को छोड़े, और 3102 BC से 1 या 2 साल पहले महाभारत की लड़ाई हुई थी, 1 या 2 साल पहले। तो अगर इसको देखें तो 3103 या 4 BC, और अभी फिर से 2022 चल रहा है अभी, तो 2022 को अगर जोड़ देते हैं 3102 3104 से, तो कितना आता है, वही 5125 साल। तो 5125 साल पहले ये महाभारत की लड़ाई हुई, और महाभारत का जो पूरा का पूरा जो लड़ाई था उसको कुछ लोगों ने ही देखा था, पूरी की पूरी जो एपिसोड है, उनमें से प्रमुख थे संजय के द्वारा धृतराष्ट्र ने भी सुना था, बर्बरिक और वेदव्यास। तो ऐसे कुछ गुने चुने थे जो कि इस प्लैनेट पे देखे, और कुछ बहुत सारे देवतागण भी देखे थे महाभारत की लड़ाई को। 18 दिन की लड़ाई हुई थी, और उस 18 दिन के पहले दिन भगवद गीता बोला गया था, भगवद गीता पहले दिन ही बोला गया था, महाभारत का जो मेन लड़ाई है। तो हम लोग एकदम क्लियर हो सकते हैं कि ये जो लड़ाई है जिसका अंकन महाभारत में किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं वेद व्यास लिटरेरी इनकार्नेशन, तो उन्होंने महाभारत को महाभारत होने से पहले ही लिखा। ऐसा नहीं कि महाभारत हो जाने के बाद, हजारों साल के बाद किसी ने लिखा, नहीं, वेद व्यास ने महाभारत को महाभारत होने से पहले ही लिखा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ आगे जानते। जैसे वाल्मीकि मुनि ने रामायण को, कुछ पोर्शन ऑफ रामायण उन्होंने भगवान राम के आविर्भाव होने से पहले लिखा, और कुछ पोर्शन ऑफ रामायण उन्होंने भगवान के आविर्भाव होने के बाद लिखा। उसी तरीके से वेद व्यास एक त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, और अभी भी मौजूद हैं, और वो महाभारत को महाभारत होने से पहले लिख चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भगवद गीता लिखी गई कितने साल पहले,
कम से कम 5125 या 26 साल पहले, 5125 या 26 साल पहले ये भगवद गीता लिखी गई, न कि 2000 साल पहले और 2022-27 साल पहले। यस, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी आप चाहिए, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पठित संस्करण है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भगवद गीता ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।